मधुमक्खियों का हमला, तीन राहगीर आए जद में। धर्मजयगढ़ नगर के रायगढ़ रोड मुख्य सड़क में गड़िया कॉम्प्लेक्स के पास स्थित पीपल के पेड़ में सालों से मौजूद मधुमक्खी आज विदा कर सड़क से आवाजाही करने वालों पर टूट पड़ी। तीन लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है, जिनका सिविल अस्पताल में उपचार करवाया गया है, जिनकी हालत में फिलहाल सुधार बताया जा रहा है। नगर के भीतर मुख्य मार्ग में गढ़िया के पास पीपल के पेड़ में लाखों की तादाद में छत्ता बनाकर रह रहे मधुमक्खियों का झुंड आज किसी तरह विचलित हो गया और सड़क से आवाजाही करने वालों पर आफत बनकर उड़ने लगा। लिहाजा उस दौरान जो भी उनके जद में आया, उन पर डंकों की बौछार कर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि उस रास्ते से चलने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मधुमक्खियों के दंश से बचे हैं। फिर भी बता दें, नगर के निवासी योगेश इक्का, कृष्णा ठाकुर और रूपेश मिंच उनके जद में आ गए और उन्हें डंक मारकर घायल कर दिया, जो इलाज कर फिलहाल घर चले गए हैं। ऐसे में यहाँ कहा जा सकता है कि जिस तरह सालों से नगर के बीचों बीच पेड़ में मधुमक्खियों का ढेरा बरकरार है, इससे तो यही लगता है कि स्थानीय प्रशासन इस गंभीर मसले पर उदासीन है, जो समझ से परे है। मालूम हो कि इससे पहले भी कईयों शख्स इन मधुमक्खियों के जद में आकर घायल हो चुके हैं। फिर भी चाहे वो फॉरेस्ट विभाग हो या नगर पंचायत के सरकारी नुमाइंदे, इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जो कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता को जाहिर कर रहा है, या यूं कहें उन्हें और किसी बड़े हादसे का इंतजार है। धर्म जयगढ़ से शेख आलम की रिपोर्ट।